वेलकम टू माय चैनल द कुक हाउस। तो आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। तो उसके लिए हमने ये 500 ग्राम आटा, तो उसके लिए हम डालेंगे दो घी, दो चम्मच घी भरकर। तो गरम करके ले लें, बाकी का घी हम आगे यूज करेंगे, इतना बचा हुआ है हमारा। डाल देंगे हमें उसमें एक चम्मच नमक, डालेंगे हम दो चम्मच सूजी, क्योंकि उससे करारी बढ़िया बनती है हमारी लिट्टी। अब लिया है मैंने थोड़ा सा अजवाइन आधा चम्मच, उसको भी हम डाल देंगे इसमें क्रश करके। अब लगा लेंगे हम आटा, हम हाथ से ही लगाने हैं। थोड़ा हमें सख्ती लगाना है, जैसे रोटियां बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा आटा लगकर तैयार है कुछ इस तरीके से। तो हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो इधर लिए हमने दो बैंगन, इनको मैं धोकर साफ कर लिया अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ कर। तो इनको हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। इसमें चेक करेंगे कि हमें कीड़े तो नहीं, क्योंकि बनने के बाद पता नहीं चलता है इसमें, तो इसलिए हम पहले ही इसमें चेक कर लेंगे। तो जो कट लगाया है उसमें हम लगा देंगे लहसुन की कलियां, जो कि ये भी इनके साथ ही भुन जाएंगी आराम से। सभी कटों में इस तरीके से लगा देंगे हम। देखना इस तरीके से तैयार कर लिए हमने। तो मैंने बैंगन तैयार कर लिए अपने दोनों, और लिए हमने चार टमाटर। तो इनको हम भून लेंगे। तो हम करते हैं अपनी गैस ऑन। तो ये लिया है हमने अपनी जाली, तो इसको हम रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाकर इनको हम रख देंगे सिकने के लिए गैस पर अपने। तरीके से दोनों रख लेंगे हम, बड़े आराम से भुन जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम उलट पुलट करके सेक लेंगे बैंगन को आराम से। टमाटरों को भी मैंने साइड में रख दिया कि गैस निकल रही थी, इसलिए मैंने इनको भी रख दिया। अगर आपके पास जाली नहीं है तो हम इस तरीके से भी सेक सकते हैं, तो मैंने साइड में एक रख रखा है, ऐसे भी बढ़िया भुनता है। तो देखिए हमारा बैंगन भुन गया है बड़ी अच्छी तरीके से। तो हम इसको कर देंगे अब गैस से अलग। टमाटर को आगे करके इनको भी थोड़ा सा और कर लें। ये वाला भी हमारा बैंगन भुन गया अच्छे से, देखिए इतना बढ़िया सा दबरा दिखी। तो हमारे टमाटर भी भुन गए हैं, तो हम कर देंगे वो गैस बंद, तुमको ठंडा होने देते हैं। तो ये हमारे बैंगन हो चुके हैं ठंडे, तो हमें कुछ छील कर साफ कर लेंगे इस तरीके से, बड़े आराम से साफ हो जाते हैं। तो ये भी एक बैंगन हमारा साफ हो गया है, और कर लेंगे दूसरा भी इसी तरीके से साफ। तो हमारे दोनों बैंगन हो गए साफ, अब हम करेंगे टमाटर को साफ इस तरीके से। बड़े आराम से हटते हैं इनके, देखो तो बढ़िया भुने हैं बहुत ही।
देखिए फ्रंट कितने आराम से साफ हो गया। इसको हम चाकू से हटाएंगे बाद में। तो मैंने ये ले लिया है 2 कटोरी बेसन। तो इसमें डालेंगे हम प्याज, आधी प्याज डाली हमने, आधी बचा रखी है अपनी चोखा बनाने के लिए। और डालेंगे हम इसमें लहसुन अदरक जो हमने ग्रेट कर लिया था। डालेंगे हम गाजर, जो हमारे बच्चे वैसे गाजर नहीं खाते तो मैं ऐसे ही उनको डाल के खिलाते हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। तो मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, डालूंगी मैं इसमें धनिया जो मैंने काट के रखे थे, डालेंगे इसमें घी, डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काली मिर्च। इसमें हरी मिर्च काली मिर्च डाली है तो इसलिए हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो सभी चीज़ों को हम कर देंगे इसमें मिक्स इस तरीके से। कलर के लिए डाल देंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा था इसलिए मैं 2 चम्मच घी और डालूंगी, क्योंकि सूखा ज़्यादा हो रहा है। तो मैं करूंगी हाथ से ही मिक्स। तो देखना हमारे सत्तू कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपके पास सत्तू है तो ठीक है, नहीं तो आप चने जो भुने हुए होते हैं ना उससे पीस के भी आप सत्तू बना सकते हैं, तो वो भी ऐसे ही मतलब सेम टेस्ट होता है उनका भी, तो वो भी बढ़िया लगते हैं। तो हमारे सत्तू बनकर तैयार है फ्रेंड। तो हम बना लेते हैं अपना चोखा। तो ये काट कर हम हटा देंगे डंडी को। मैं ये बैंगन में से ये जिसमें बीज थोड़ा सा ज्यादा लग रहे हैं मुझे, तो इसलिए मैं बीजों को हटा दूंगी। तो इन्हें हम ड्राई की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी इस तरीके से, बैंगन और टमाटर को से बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने मैश कर लिए सभी टमाटरों को और बैंगनों को दोनों को। तो मैं ले रही हूँ 2 आलू, तो इनको भी मैं ग्रेट कर लूंगी। थोड़े अभी बॉईल किए थे इसलिए गर्म है ये। तो फ्रेंड आप ठंडे हो जाएं तब आराम से करें। तो हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, प्याज और अदरक, डालेंगे हरा धनिया, डालेंगे हम काली मिर्च, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हमने और भी आटे में उसमें भी ऐड किया है। हे प्रभु, मैं डालूंगी इसमें घी, डालेंगे हम अचार का मसाला 1 चम्मच, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं करनी इसलिए मैं घी कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल का टेस्ट हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं सब लोग, तो मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो अब कर देंगे सभी चीज़ों को मिक्स।
तो फ्रेंड हमारा चोखा बनकर तैयार है, कितना यम्मी से बना हुआ है। मैं तो पानी आ गया मुंह में, खाने का मन कर रहा है बहुत तेज। तो मैं जस्ट बना झट से बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाए और मजे करें, बहुत टेस्टी बनते हैं लिट्टी चोखा हमारे। सेब को हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े। इस तरीके से हम करेंगे कटोरी की शेप में। चम्मच करी में सत्तू भर लिया है, तो इस तरीके से इसको अंगूठे की सहायता से बंद कर लेंगे। और इस तरीके से तो देखना कितना बढ़िया हमारी बॉल बनके तैयार हुई है। तो ऐसे ही हम सभी बना रख के तैयार कर लेंगे सबको। दूसरी भी हम ऐसे ही बनाएंगे इस तरीके से। इसको भी हम एक चम्मच ही भरेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए हमारी दूसरी बॉल बनकर तैयार है। तो हम ऐसे ही सारी बॉल बना के तैयार करते हैं। तो हमारी इतनी बॉल बना ली है हमने, तो इनको अब सेकते हैं। तो मेरा तवा गर्म हो चुका है, अप्पे पैन को हमने पहले रख दिया था गर्म करने। तो इसमें डाल देंगे हम घी। हम रख देंगे अपने इसमें लिट्टी एक एक करके। थोड़ा थोड़ा डाल देंगे हम इनके ऊपर भी। तो मैंने अपना फ्लेम कर दिया है लो, तो अगर को धीरे धीरे ही सेकने देंगे वरना जल जाएंगी, इसलिए हम ढक के रख देंगे हमें 10 मिनट के लिए करीब। और बीच बीच में हम इनको चला देंगे। तो मैंने घुमा देंगे इस तरीके से, देखना कितनी बढ़िया सीखी है हमारी। तो मैं सभी को कलर देंगे। थोड़ी देर और ढक के पका लेंगे मैंने। तो देखिए हमारी लिट्टी सारी सिककर तैयार है, कितनी बढ़िया कलर आया और अच्छी सिकी है। तो हम इसको निकाल लेंगे अपनी प्लेट में, देखेंगे चारों तरफ से सिक देंगे। तो हमारी लिट्टी बनकर लिट्टी चोखा तैयार है फ्रेंड। देखना कितना बढ़िया बनी हमारी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है। और ये लिए हमने सलाद। तो फ्रेंड बताएं कमेंट बॉक्स में हमारी रेसिपी कैसी बनी है। तो लाइक कमेंट शेयर सब